हेलो फ्रेंड्स, आज मैं यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के बारे में आपको डिटेल देने वाली हूँ कि आपको वहाँ से अगर मेंबरशिप वगैरह लेनी है, स्विमिंग की है, बहुत सारे गेम्स हैं उसके अंदर होते हैं, तो आपको क्या करना होगा। तो सबसे पहले मेंबरशिप लेने के लिए आप गेट नंबर 3 से एंट्री करेंगे, तो वहाँ आपको सबसे पहले वो गार्ड मिलेंगे, गार्ड आपकी डिटेल लेंगे और आपकी एंट्री देंगे। तो ये रिसेप्शन है, आप रिसेप्शन पर आएंगे, सारी जानकारी आप ले सकते हैं। लाइक रिसेप्शन पर आप ये मेंबरशिप के लिए डिटेल आप देख रहे होंगे कि ये वहाँ पर चार्जेस लिखे हुए हैं, लाइक मेंबर प्लस वन डिपेंडेंट है तो, और सिंगल पर्सन के लिए क्या चार्जेज हैं, मेंबर प्लस टू डिपेंडेंट इसके क्या चार्जेज हैं, मेंबर प्लस थ्री डिपेंडेंट 2981 का चार्ज है। ये क्वार्टरली चार्जेज है, मंथली कोई सब्सक्रिप्शन नहीं है वहाँ पे। क्वार्टर का मिनिमम मेंबरशिप जो है मिनिमम क्वार्टर की है, और एनुअल है और परमानेंट है, तो इस तरह के चार्जेस हैं। तो मैंने जैसे मेंबर प्लस टू डिपेंडेंट वाला लिया है, तो टू डिपेंडेंट का मतलब हुआ इसमें हस्बैंड और वाइफ ही हो सकते हैं जो आपके हुए डिपेंडेंट्स, और आपके बच्चे हो सकते हैं, तो ये डिपेंडेंसी का केस है। और आपको ये जो फॉर्म मिलेगा, आपको मेंबरशिप फॉर्म मिलेगा, आपको वहाँ से कलेक्ट करना है। और मेंबरशिप फॉर्म जो है आपको 13 नंबर रूम नंबर से मिलेगा, आप वहाँ पे 13 रूम नंबर में जाएंगे, वहाँ से आपको मेंबरशिप का फॉर्म मिल जाएगा, और फिर आपके 20-25 रुपीज़ लगेंगे उसमें आपको ये मेंबरशिप फॉर्म मिलेगा। और आपको ये फॉर्म भर के सबमिट करना है, तभी आप दूसरे किसी चीज़ का आप फॉर्म ले सकते हैं। तो ये हमारा फॉर्म हो गया, तो आप ये देख रहे होंगे इस तरह का फॉर्म है ये, इसमें चार्ज लिखे हुए 20 रुपीज़ प्लस GST 18%, तो ऑलमोस्ट 24 पॉइंट समथिंग का ये आपको कार्ड पड़ेगा, लाइक फॉर्म पड़ेगा। और ये सबसे पहले तो ऊपर जो है ऑफिस यूज़ के लिए है, यहाँ पे आपको फिल ऐसे करना है, यहाँ पे आपको अपनी मेंबर की मेन मेंबर की फ़ोटो लगानी है। तो जो मेन मेंबर होगा, लाइक आपके हस्बैंड, अगर कोई हस्बैंड हो सकता है, वाइफ हो सकती है, पेरेंट्स हो सकते हैं, तो मेन मेंबर वो होगा। डिपेंडेंट के बैक साइड में आएंगे, तो बैक साइड में डिपेंडेंट्स की फ़ोटो आएंगी। तो डिपेंडेंट जो बच्चे होंगे वो 5 से लेकर 20 साल तक के बच्चे ही डिपेंडेंट होते हैं, अगर वो 21 साल का बच्चा है तो वो डिपेंडेंट में नहीं आएगा। और वाइफ डिपेंडेंट हो सकती है किसी भी टाइम, या हस्बैंड वाइफ पे डिपेंडेंट हो सकता है किसी भी टाइम। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे एप्लीकेंट का नाम, आधार नंबर, हस्बैंड है, वाइफ कुछ भी है तो उनका नाम, फादर है तो फादर का नाम, ये सारी डिटेल यहाँ पे भरनी है। नॉर्मल सी डिटेल है, मैरिटल स्टेटस, ऑक्यूपेशन, ज़रूरी नहीं ऑक्यूपेशन भरना, नॉर्मल डिटेल भरनी है जो कि सबको अपनी अपनी पता होती हैं। तो ये सारी चीज़ें भरनी है आपको इस फॉर्म में, और वो टेम्प्ररी, जब आप ये फॉर्म सबमिट करेंगे तो वो टेम्प्ररी आपको एक मेंबरशिप नंबर दे देंगे। तो सिमिलरली आप देख रहे हो डिपेंडेंट्स की सारी डिटेल भरनी है, यहाँ पे रिलेशन भरना है, जो मेन पर्सन है उसके साथ क्या रिलेशन रहेगा, ये सब डिटेल भी भरनी है, और लास्ट में यहाँ पे आपको साइन करना है। तो ये चीज़ें करनी है। ये फॉर्म भरने के बाद आप इसके साथ आधार कॉपी, डिपेंडेंट की और अपनी, वो ज़रूर ले जाएंगे, और फ़ोटो दोनों तीनों, लाइक डिपेंडेंट की फ़ोटो लगेगी, आपकी फ़ोटो लगेगी, तो आधार कार्ड की कॉपी बहुत ज़रूरी है, और एड्रेस मैच होना चाहिए, जो एड्रेस आप यहाँ पे भरेंगे वही आधार कार्ड में होना चाहिए। तो अगर आपके पास आधार कार्ड में एड्रेस अपडेटेड नहीं है, तो कोई ना कोई ऐसा आपके पास आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए, तो उसमें एड्रेस अपडेटेड होना चाहिए, तभी वो वैलिड रहेगा। तो ये चीज़ें हैं आपको भरनी है। और ये फॉर्म भरने के बाद आप इसको सबमिट करने जाएंगे, तो रिसेप्शन के सामने ही एक रूम है, वहाँ पे आपको इसको सबमिट करना होगा। जैसे ही आप ये सारी डॉक्यूमेंट्स देंगे, तो वो आपको एक टेम्प्ररी नंबर देंगे, और उसी टेम्प्ररी नंबर के बेसिस पे एक स्लिप जनरेट होगी, वो स्लिप आपको, उस स्लिप के अगेंस्ट आपको वो पेमेंट करनी है। पेमेंट करने के लिए आपको रूम नंबर 13 में जाना होगा, वो स्लिप आप दिखाएंगे, तो मेंबर प्लस टू डिपेंडेंट है तो वो उसके अकॉर्डिंग ही आपसे वो पेमेंट लेंगे। तो वो पेमेंट करने के बाद जो उसी रूम में दूसरे बंदे हैं, वो आपको एक टेम्प्ररी पास दे देंगे, वो पास आपका बन जाएगा, उस पास को लेकर आप एंट्री कर सकते हैं फिर यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में। अब आपका पास तो बन गया, मेंबरशिप पास बन गया, अब आपको कोई प्ले करना है, लाइक आपको अपने बच्चों को फुटबॉल खिलाना है, स्विमिंग जाना है, तो उसके लिए अलग फॉर्म लेना होगा आपको। तो आप फिर आप अपने वापस से एंट्री गेट पे आएंगे, जहाँ से हमने एंट्री करी थी, और वहीं से आपको वो फॉर्म मिलेगा।
उस फॉर्म की भी कॉस्ट अराउंड 24 रुपीज़ और समथिंग है, तो आप वो फॉर्म कलेक्ट वहाँ से कर लेंगे। मेंबरशिप कार्ड बनने के बाद ही आपको वो फॉर्म मिलेगा। अब वो फॉर्म आप फिर दोबारा फिल करेंगे। अगर आपको स्विमिंग करनी है तो उसके लिए मेडिकल अटेस्टेड भी होना चाहिए वो फॉर्म, तो आपको मेडिकल अटेस्ट भी कराना पड़ेगा। और अदर गेम्स के लिए आई डोंट थिंक ऐसा मेडिकल अटेस्टेड ज़रूरी है, बट स्विमिंग के लिए वो बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए वो आपको मेडिकल अटेस्ट कराना पड़ेगा। और फिर उसके बाद आप जब ये फिल कर लेंगे फॉर्म, तो ये स्विमिंग का फॉर्म है, तो आप स्विमिंग पूल के पास ही एक रिसेप्शन बना हुआ है, आपको ये फॉर्म वहीं सबमिट करना पड़ेगा और वहीं पेमेंट करनी पड़ेगी। इसी तरह अदर गेम्स के लिए भी उन्हीं के सेक्शन में जाकर आपको वो फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की। होप मैं आपका कुछ टाइम सेव कर पाई होंगी। थैंक्स, बाय बाय। नोट, प्लीज़ कैरी योर डेबिट और क्रेडिट कार्ड। वहाँ पे कैश ट्रांजेक्शन बंद हो चुका है, कार्ड से ही पेमेंट लेते हैं, तो आपके पास अगर कार्ड नहीं है तो वहाँ पे आपका कुछ काम नहीं हो पाएगा। आपको कार्ड कैरी करना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू।